नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया का खास कार्यक्रम खास मुलाकात का सफ़रनामा। इस सफ़रनामे में हम आपकी मुलाकात खास शख्सियत से कराते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, जो कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनके जीवन के इस सफ़र के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इस मुकाम तक आने में उन्हें किस तरह की स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरह की दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी और आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उन्होंने किस तरह के परिवर्तन किए हैं। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सर, किस तरह का आपका ये सफ़र रहा, किस तरह की स्टडी रही, किस तरीके से यहाँ इस मुकाम तक आप पहुँचे? एक्चुअली जब व्यक्ति साइंस स्ट्रीम लेता है तो उसकी एक सोच होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जब वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं किसी भी कारणवश, तो फिर वो पैरामेडिको या नर्सिंग, फार्मेसी, इन स्ट्रीम में वो अपना जो है भविष्य निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरह जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होने पर, तो मैंने नर्सिंग प्रोफेशन को चुना। नर्सिंग प्रोफेशन में ट्रेनिंग करने के दौरान मेरा फाइनल ईयर में ही आरपीएससी में सिलेक्शन हुआ और आरपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद में मेरा होम टाउन करौली में मेरी पोस्टिंग रही। करौली में पोस्टिंग के बाद मैं एसएमएस आया। एसएमएस के बाद मैंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएमएस से पीजी की। पीजी के जस्ट बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर में मेरी पोस्टिंग रही। फिर मैं जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में काम किया और अब मुझे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में काम करने का मौका मिला। सर, जिस तरीके का आपने बताया कि इस तरीके का आपका सफ़र रहा, इस दौरान आपने देखा कि नर्सिंग जो करते हैं उन लोगों के साथ किस तरह की समस्याएं उस समय थी जिनको आपने इस दौरान उनका निदान किया? मैं नर्सिंग स्टूडेंट लीडर भी रहा हूँ, तो क्योंकि आम जन में, जो आम आवाम में हमारे कैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन को लेकर के हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट हो पाता था, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स 3 साल लग जाते, 4 साल के डिग्री कोर्स में 6 साल लग जाते। तो समय पर परीक्षाएँ का आयोजन नहीं होना, समय पर काउंसलिंग का नहीं होना, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी जो फेस होती थी। और समय बहुत कीमती है, हम सब चीज़ वापस प्राप्त कर सकते हैं पर समय हम वापस नहीं ला सकते। तो हमने नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मेरे बनने के बाद सबसे पहले यही सुनिश्चित किया कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स 3 साल में हो, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स 2 साल में हो। और हमने जो है पिछले 2 साल में 32 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं और जो पिछले कई वर्षों से जो बैकलॉग था, जो नर्सिंग परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया गया था, उन सब परीक्षाओं का आयोजन करा के और उनके परीक्षा के परिणाम भी जारी किए। इससे स्टूडेंट्स को बहुत राहत मिली है, समय पर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, समय पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जो नर्सिंग की भर्तियाँ निकाली हैं उनमें वो लोग एप्लीकेबल हो पाए। कल सर एक कॉन्फ्रेंस होनी है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस किस तरह के उसमें इवेंट रखे गए हैं? राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्रथम नर्सिंग जो है कॉन्फ्रेंस हमने 11 मई 2022 में आयोजित की थी और आज कल हम जो है सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम में, जिसमें हमारे राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और चिकित्सा मंत्री, माननीय चिकित्सा मंत्री अध्यक्षता करेंगे, ACS चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उसकी विशिष्ट अतिथि के रूप में और निदेशक अराजपत्रित और राजपत्रित दोनों उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे। लगभग 1700 पार्टिसिपेंट इसमें जो है भाग ले रहे हैं, उसमें हमारे राज्य से और अन्य राज्यों से भी प्रतिभागी हैं और वक्ता के रूप में नामी प्रतिष्ठित जो संस्थान है हमारे देश के, उसमें से चाहे वो मणिपाल नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे एम्स नर्सिंग कॉलेज हो या अन्य संस्थान हो, रजिस्ट्रार हो अन्य प्रदेशों के, वो लोग कल शिरकत करेंगे और अपनी नॉलेज का आदान प्रदान करेंगे। नर्सिंग में कैसे स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है, नर्सिंग प्रोफेशन को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है और कई नर्सिंग इश्यूज पर बात होगी। कर्मचारियों को, छात्रों को और आम आवाम को कोई मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे?
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है नॉवल प्रोफेशन है और हमें नर्स सेवा नारायण सेवा के रूप में काम करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य जो है नर्सिंग प्रोफेशन जब हमने चुना उसी दिन हम सेवा की देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शपथ हम लोग लेते हैं और उस शपथ में पीड़ित मानवता की सेवा करना ही हमारा सबसे सर्वोपरि कर्म होता है। और राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने राजस्थान को निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान के रूप में काम किया उसकी कड़ी में हम सभी नर्सेज जो है कटिबद्ध हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी और लगन के साथ में हमें प्रदेश की जनता की सेवा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़े। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी जिनसे हमने बातचीत की। इस तरह की और ख़ास शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे।